नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो मैं आज हिंदी में करने वाली हूँ, और ये वीडियो एक्चुअली में एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो कि सुमन जी फ्रॉम जस्ट बी योरसेल्फ के साथ मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ। और अगर आप उनका चैनल अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप प्लीज़ जाइए और उनके चैनल को चेक करिए। और वो बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ बनाती हैं, शी इज़ वेरी स्वीट एंड सिंपल, और जो कि मुझे बहुत ही प्रभावित करता है कि वो इतने सिंप्लिसिटी के साथ और इतने अच्छे वीडियोस बनाती हैं। तो आपने अगर उनका चैनल अभी तक नहीं चेक किया है तो जाइए और उनके चैनल को चेक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को भी अभी तक नहीं चेक किया है, या आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगी। और इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है हमारा, ये एक टैग वीडियो है जिसका हमने नाम रखा है गेट टू नो मी बेटर। तो इस टैग में हमने कुछ 26 क्वेश्चंस चूज़ करके रखे हैं, और ये क्वेश्चंस हो सकता है किन्हीं और टैग से भी कॉमन हो, पर ये हमारा अपना खुद का टैग है। हमने और सुमन जी ने दोनों ने मिलकर इस टैग को स्टार्ट किया है, और ये एक ओपन टैग है जिसे कोई भी ले सकता है, उठा सकता है, इरिस्पेक्टिव कि उसे किसी ने टैग किया हो। जिसका जितने भी हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं ये बेसिकली उनके लिए किया गया है ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अपने नए यूट्यूबर्स को अच्छे से जान सकें और उन्हें और उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड फील कर सकें। तो हमने ये सोच करके ये टैग वीडियो स्टार्ट किया है, और इस टैग में हमने कुल 26 क्वेश्चंस छांट के डाले हुए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हैं और कुछ हमारी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी हैं। तो बिना देर करे हम वीडियो के अपने आज के वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आर यू नेम्ड आफ्टर एनीवन? तो नहीं, हमारा नाम किसी से भी प्रेरित नहीं है। मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने बड़े ही प्यार से रखा है और मुझे वो नाम बहुत पसंद है। जो हमारा दूसरा सवाल है वो है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही रोधरू टाइप की लड़की हूँ, मेरे आंसू बस यूँ निकलते हैं, मुझे बस थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे और बस मेरे गंगा जमुना बाहर आ जाती हैं। तो मैं थोड़ी उस टाइप की लड़की हूँ और बहुत ही इमोशनल टाइप की हूँ, तो बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। और लास्ट टाइम की बात करें तो आई थिंक मैं लास्ट टाइम सैटरडे को रोई थी, और ज़्यादा नहीं, बस दो चार बूंद आंखों में आ गए थे जो शायद बाहर टपक भी नहीं पाए थे, बस आंखें भर आई थी मेरी। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी किड? या मेरा एक बेटा है 2.5 साल का जिसका नाम मैंने आरव रखा है, और वो बहुत ही स्वीट है, प्यारा है, पर बहुत नॉटी है क्योंकि आप समझ सकते हैं लड़के कितने शैतान होते हैं, तो बस वैसा ही वो भी है। और फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू वर अनदर पर्सन वुड यू बी अ फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ? डेफिनेटली, अगर मैं कोई दूसरे इंसान होती तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसे लोग दोस्त बनाना, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसे लोग इम्प्रेस होंगे और उसे दोस्त बनाने के लिए टूट पड़ेंगे, पर मैं ये कहूँगी अगर कोई बंदा ऑनेस्ट पर्सन को ढूंढता है, एक ऑनेस्ट फ्रेंड चाहता है, तो मैं अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मैं देखती हूँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस टाइप की बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने फ्रेंड्स को गलत होने पर भी उसका सपोर्ट करे या फिर उसकी सिर्फ झूठी तारीफ करे या उसे मतलब गलत जगह जा रहा है तो जाने दे, मैं उस टाइप की बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरा मानना ये है कि दोस्त वो होता है जो प्रॉब्लम आने पर अपने दोस्त की मदद करे, और साथ ही साथ अगर वो कुछ गलत कर रहा हो या आपकी आपको उसकी कोई बात बुरी लग रही है तो आप उसे मुंह पर बता दे, ना कर कि पीछे बैक ना कि ना कर कि बैक स्टैबिंग करे। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब कि मुझे लगता है कि ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे फ्रेंड में होनी चाहिए और जो मेरे अंदर हैं, और शायद कुछ लोगों को ये सारी क्वालिटीज़ नहीं अच्छी लगती हैं, उन्हें चाहिए ऐसा फ्रेंड अगर कि जो उनकी हर बात को हाँ में हाँ करे, और अगर वो गलत जा रहा है तो भी अच्छा करे और
कुछ भी है इस टाइप का, तो मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ। शायद इसी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन मैं बातें सबसे करती हूँ और मैं काफ़ी लोगों को अपनी बिल्डिंग में भी जानती हूँ, तो ऐसी हूँ मैं। पर मैं बहुत ज़्यादा, अगर क्लोज़ फ्रेंड की बात करी जाए तो मेरे बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट पीपल। अच्छा, तो पहली चीज़ मैं झूठ नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली हम पहली चीज़ अगर किसी में नोटिस करते हैं तो वो उसका लुक, उसकी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि कौन सी चीज़ मुझे प्रभावित करती है, तो मैं ज़रूर कहूँगी वो उसका नेचर और उसकी बात करने का तरीका है। अगर वो बंदा मुझे बात करने में कंफर्टेबल फील लगता है, कराता है, और मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ उससे बात करने में, तो डेफिनेटली हमारी आगे जा कर के बहुत अच्छी बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैरी मूवी और हैप्पी एंडिंग। ओके, तो एक्चुअली मुझे स्कैरी मूवीज़ और हैप्पी एंडिंग मूवीज़ दोनों ही बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर बात करा जाए किसी एक को चुनने के लिए, तो मैं ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग चुनूंगी। क्योंकि स्कैरी मूवीज़ अगर मैं डेली देखने लगी तो सच में मुझे कभी, मतलब मुझे एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं हैप्पी एंडिंग्स को चुनूंगी। और वैसे भी अगर आप मेरी फेवरेट मूवीज़ के बारे में पूछें, तो मुझे थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग्स टाइप मूवी ही अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि विवाह इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, आई लव दैट मूवी। तो ये तो बात थी फेवरेट मूवी की, लेकिन अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कि मेरे फेवरेट सीरियल्स कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं टाइम पास के लिए सारा दिन अपनी टीवी ऑन करके रखती हूँ, लेकिन फेवरेट सीरियल के नाम पर मेरे को ज़्यादा कोई खास फेवरेट सीरियल तो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को कुछ शोज़ हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि बिग बॉस, और उसे मैं रिलीजियसली वॉच करती हूँ। और अब वो ख़त्म होने वाला है, और शायद जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक वो ख़त्म हो चुका होगा, और मैं उसे बहुत मिस करने वाली हूँ। वो टाइम स्लॉट मुझे बहुत ही खाली 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 सा लगेगा। और अगर सीरियल्स की, शोज़ की बात करी जाए, तो मुझे शर्लॉक होम्स बहुत पसंद है, और साथ ही साथ मुझे कैसे मैं भूल सकती हूँ ये मेंशन करना कि गेम ऑफ थ्रोन्स तो मेरा फेवरेट है। और अगर आपने कभी उस सीरियल को नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड करके ज़रूर देखें, क्योंकि शायद शायद पहले मैं भी इस सीरियल को बारे में सोचती थी कि यार ये बहुत मारधाड़ लड़ाई वाला सीरियल है, मेरे टाइप का नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत प्यार और रोमांटिक फैमिली टाइप की सीरियल्स और मूवीज़ अच्छी लगती हैं। लेकिन ये सच में बहुत ही अच्छा सीरियल है, आप इसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देखिए। आई बेट यू कि आप उससे इतने एडिक्टेड हो जाएंगे कि जब वो ख़त्म होगा तो आप वेट करोगे कि कब वो फिर से स्टार्ट होगा, कब उसका नया सीज़न आएगा। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है फेवरेट स्मेल। तो फेवरेट स्मेल की अगर बात करूँ, तो मुझे फ्रूटी स्मेल और फ्लोरल स्मेल बहुत अच्छी लगती हैं। समटाइम्स मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल अच्छी लगती है, समटाइम मुझे माइल्ड स्मेल करती है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस टाइप की स्मेल है। तो स्मेल के टाइप में शायद मैं वैसी चूज़ी नहीं हूँ, लेकिन अगर एक चुनूँ तो मुझे ऑरेंज, सिट्रसी फ्रूट्स की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, जिसमें ऑरेंज बेस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हाउ यू फाइंड योर सेल्फ मोर प्रिटी मेकअप और विदाउट मेकअप। ओके, फॉर दिस वॉट आई वुड से कि ऑब्वियसली विदाउट मेकअप मैं अपने आप को अच्छा मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं खूबसूरत दिखती हूँ बिना मेकअप के। और अगर आप नहीं मानते तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को वो जैसा है उसे अपने आप को खूबसूरत समझना चाहिए। और लेकिन अगर आप मेकअप की बात करें, तो मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है और सजना संवरना बहुत पसंद है। सजना संवरना से मेरा ये मतलब नहीं है कि मुझे ज्वेलरी और ये और वो करना, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, और शायद इसीलिए मैंने अपना YouTube चैनल खोला है। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर यू बॉर्न। तो मेरा जो बर्थ हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। अगर आपको पता नहीं है कि लखनऊ कहाँ है, तो मैं बता दूँ कि ये यूपी में पड़ता है। तो मेरा जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट इज़ वॉट आर योर हॉबीज़। तो मेरी हॉबीज़ की बात करी जाए, तो अभी करेंटली जो मेरी फेवरेट हॉबीज़ चल रही हैं, मतलब कि वो तो वॉट आई लव टू डू इज़ शॉपिंग,
वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, मेकिंग वीडियोज, नाउ आई कैन से दिस, मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, अपलोडिंग एंड रीडिंग योर कॉमेंट्स एंड चेकिंग अप द स्टेटस ऑफ माई चैनल, हाउ इट इज़ ग्रोइंग, विच इज़ नॉट दैट गुड दीज डेज, और आई शुड से विच इज़ नॉट दैट गुड करेंटली. सो ये सारी चीज़ें आज अभी तक की हॉबीज़ हैं मेरी जो मुझे अच्छी लगती हैं. लेकिन और अगर देखा जाए तो मुझे अपने बेटे के साथ खेलना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है. तो ये मेरी फेवरेट हॉबीज़ थी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू हैव एनी पेट्स? तो यहाँ तो मेरे पास कोई भी पेट मेरे साथ नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मम्मी के यहाँ मेरा एक डॉगी है जो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ. वो फीमेल है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ. और वो कैसे मेरे घर में आई उसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है. मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम कभी बात करेंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे. सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द 12th क्वेश्चन, डू यू हैव एनी सिबलिंग? आई डू हैव वन ब्रदर और वो मेरे से 1.5 साल बड़े हैं. और देखा जाए तो बड़े हैं लेकिन फिर भी हम दोनों में इतनी फाइट होती है. मैं उससे बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ कि हाँ वो मेरे से बड़ा है और मैं उससे बहुत लड़ाई करती हूँ. लेकिन वो लड़ाई हमेशा वो प्यार वाली अच्छी वाली लड़ाई होती है. और हम लोग के ओपिनियंस एक्चुअली कभी नहीं मैच करते हैं, जो कि मेन रीज़न होता है हम लोग के छोटी मोटी नोक झोंक का. और बट स्टिल हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टॉल आर यू? मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, मेरी हाइट 5 feet 2 inches से थोड़ी सी ऊपर है. और लोगों का तो मानना है कि शायद मैं 5 feet भी नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं मोटी हो चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं दिखती शायद, लेकिन मेरी हाइट जो है वो 5 feet 2 inches है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? तो अगर आप फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी की बात करें, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं अभी मिस करती हूँ वो ये है कि जब हम छोटे थे तो हम अपना बर्थडे कितने धड़ल्ले से सेलिब्रेट करते थे और हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता था. हम अपने बर्थडे के गिफ्ट्स के लिए इतने एक्साइटेड होते थे, सेलिब्रेशन के लिए इतने एक्साइटेड होते थे. लोग आते थे घर में, हमसे मिलते थे, हमारे रिलेटिव्स आते थे, गेट टुगेदर होता था. और वो सारी चीज़ें मैं अभी बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली अगर मैं अपने घर से इतनी दूर रहती हूँ. लेकिन अगर आप कहें कि मेरी कोई फेवरेट भाई बहन वाली या जो हमारी मम्मी पापा वाली कोई फेवरेट मेमोरीज़ हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ को मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी. और मुझे लगता है शायद मैं ये वीडियो को खामखा लंबा कर रही हूँ, इसे छोटा कर सकती थी, बट स्टिल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है मैं क्या क्या ना बता दूँ आप लोगों को. तो जब हम छोटे थे तो हम अपने मम्मी के पास सोना पसंद करते थे, तो दोनों लोगों के बीच में इस बात को लेकर के फाइटिंग होती थी कि मम्मी किसके पास किसकी तरफ फेस करके सोएगी. तो हम लोग वैसे तो अपनी मम्मी को बीच में लेटाते थे और साइड साइड में हम दोनों लेटते थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच में फाइट होती थी कि मम्मा का फेस किस तरफ रहेगा. तो इसलिए मेरी मम्मी कहती थी कि मैं सीधे स्ट्रेट ऐसे सामने होकर के लेटूंगी और मैं किसी की भी तरफ फेस नहीं करूंगी. तो ये सारी चीज़ें अगर मैं सोचती तो मुझे लगता है कि कितना बोलो कि हम लोग कितना परेशान करते थे और कैसी फालतू की चीज़ें हम लोग सोचते थे. तो ये भी एक मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फेवरेट और वर्स्ट सब्जेक्ट इन हाई स्कूल? तो जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो तो उस टाइम पर मैथ्स ही रहा था, लेकिन जो मेरा अगर वर्स्ट सब्जेक्ट की आप बात करो, नो डाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये तो मेरे वर्स्ट सब्जेक्ट थे. मतलब इसको अगर कोई मुझे आज राइट दे कि कुछ चीज़ें अगर आप ऑप्शनल रख सकते हो तो मैं डेफिनेटली हाई स्कूल में ये रखना चाहूँगी कि भाई हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये तुम्हारे ऑप्शनल है, मर्जी हो लो ना मर्जी हो मत लो. तो ये मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, What would you or have you name your child? Okay, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने अपने बेटे का नाम आरव रखा है. ये नाम एक्चुअली मैंने नहीं रखा है, मेरे हस्बैंड ने ये नाम अब मेरे बेटे को दिया है और हम सभी को ये नाम अच्छा लगा तो ये नाम फाइनल कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What sports do you play or have you played?
देखा जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट पर्सन नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, लेकिन अगर मैं अभी तो मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेलती हूँ, लेकिन पहले की बात करूँ तो हाँ, मैंने ज़्यादातर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। जैसे कि मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता था, मैंने वो खेला है, मैंने क्रिकेट भी खेला है और मैंने फुटबॉल भी खेला है, मैंने टेबल टेनिस भी खेला हुआ है। वो बात और है कि मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ, आपको कैरम खेलना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे लिख करके बताइए। मुझे कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं चाहती हूँ कि कोई बस मुझे मिले और मैं कैरम खेलने के लिए बस हमेशा रेडी रहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फैशन सेंस? ओके, फैशन सेंस की अगर बात आती है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट तो नहीं रहती हूँ, और हाँ, मैं ये कहूँगी कि मुझे नॉलेज तो ज़रूर है, पर मैं इतना ज़्यादा उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे जो चीज़ मुझे मेरे ऊपर अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि मुझे वही चीज़ें पहननी चाहिए। और मेरी भी एडवाइस आप सबको यही है कि आप फैशन के नाम पे कुछ भी मत करिए। आप देखो कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप उसी चीज़ को, जब आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, तो वही एक चीज़ है जो आपको बेस्ट बना करके प्रेजेंट करेगी लोगों के सामने। तो ऐसा मैं फील करती हूँ, लेकिन अपने फैशन सेंस को मैं डेफिनेटली बहुत बुरा नहीं कहूँगी और बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगी। एक ओके टाइप ऑफ नॉलेज रखती हूँ मैं फैशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फोन डू यू हैव, iOS वर्सेस एंड्रॉयड? तो आई वुड से आई हैव एंड्रॉयड। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द 20th क्वेश्चन, टेल अस वन ऑफ योर बैड हैबिट। ओके, ये तो सिर्फ एक के बारे में ही पूछा गया है। मेरे पास तो मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, और पहली सबसे बड़ी चीज़ है, मैं किसी के सामने भी रो देती हूँ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ, पर शायद मुझे नहीं समझ में आता। मेरे आंसू बस कहीं भी किसी के सामने, अगर कोई मेरे किसी बात को लेकर मैं बुरा फील कर रही हूँ और कोई उस बात को छेड़ दे तो मेरे आंसू बस बहने लगते हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, और ये बहुत ही गलत आदत है जो मैं सुधारना चाहती हूँ लेकिन फिर भी नहीं सुधार पाती। और भी बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं मेरी। मैं शायद ज़्यादा केयरिंग नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा नेचर ज़्यादा केयरिंग नहीं है, मैं सबकी ज़्यादा उतनी केयर नहीं करती हूँ, तो ये भी एक बुरी आदत है। पर लेकिन मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। मैं सबके बारे में सोचती ज़रूर हूँ, लेकिन अगर आप कहो कि जो एक प्रॉपर सेवा करनी होती है तो वो सेवा वाला काम शायद मैं नहीं कर पाती हूँ। और लेकिन अगर सबके इस बारे में सोचने की बात है तो मैं सबके बारे में ज़रूर सोचती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सम ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर्स? ओके, तो बहुत सारे मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, और जिन्हें जिनका वीडियोस मैं बहुत वॉच करती आई हूँ। अभी जब मैंने अपना चैनल खुद का खोल रखा है तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं सबके वीडियोस उतने देख पाऊँ, लेकिन स्टिल मेरे जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनमें श्रेया जैन शामिल हैं और कोमल शामिल हैं। और अगर आप और लोगों की भी बात करें तो एक दो लोग और हैं जिनके मैं वीडियोस देखती हूँ। अगर आपको मालूम है जैबरीना, तो वो यहाँ की नहीं है, वो शायद बाहर की, कहाँ की हैं वो मुझे नहीं मालूम, उनका भी वीडियो मैं बहुत देखती हूँ। तो ये मेरे कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड व्हेन डिड यू ज्वाइन यूट्यूब? तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल अक्टूबर में स्टार्ट किया था। और मैंने क्यों किया था, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो, पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन फिर मेरा बेबी होने के बाद मैंने उस जॉब को क्विट किया। तो जब मैं एक्चुअली बेबी होने से पहले ही मैंने क्विट किया था, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे मैंने शायद उसी टाइम पर मैंने अपने जॉब को क्विट किया। तो मेरे पास ज़्यादा कोई काम तो नहीं होता था, तो मैं सारा दिन यूट्यूब के वीडियोज़ ही देखती थी। फिर मैं देखते देखते मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई वीडियोज़ को लेकर के कि फिर और मुझे इतना वो मतलब कि प्रेरणा मिलने लगी उन वीडियोज़ से, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी एक वीडियो यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए।
मुझे भी पसंद है कि लोग मुझे जाने और मुझे देखें, और जो नॉलेज मुझे है उससे उन्हें अगर कोई फ़ायदा हो तो उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करूँगी। तो इसलिए ये मैंने यूट्यूब चैनल खोला है ताकि मैं अपने जो कुछ नॉलेज है उन्हें मैं औरों के साथ शेयर कर सकूँ, और मैं कुछ नया अपने लाइफ में एक हाउसवाइफ से हट करके कुछ कर सकूँ, जिस ताकि मैं बिज़ी फील कर सकूँ, मेरे को ये ना फील हो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपको जब टाइम मिले आप तब वो काम कर सकते हो। तो ये मेरा एक मेन रीज़न था मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का। नेक्स्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू मेक। तो मैं जो है मेकअप रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, और मेरे को कुछ नेल आर्ट करना भी बहुत पसंद है। मैंने नेल आर्ट के वीडियोस बनाए हैं, मैंने कुछ लिप आर्ट के वीडियोस भी बनाए हैं, और जो कि मैंने अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं शायद इंडिया में पहली वो बंदी हूँ जिसने लिप आर्ट वीडियो किए हैं, और अगर मैं शायद अगर किसी ने शायद पहले भी किया हो तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं अपने आप को कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रही हूँ कि मैंने वो बंदी पहली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो नेल आर्ट की कला है वो मैंने फॉरेन यूट्यूबर्स से सीखी है, उसको वो लोग उनको करते हुए देखा है और मुझे करना बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। उसके अलावा मैं कुछ इजी से DIY वीडियोस भी करती हूँ, कुछ स्किन केयर वीडियोस भी मैंने किए हुए हैं, और कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस भी मैंने किए हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर यूट्यूब जर्नी। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो बहुत ही टाइम लेने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस करती आई हूँ। सबसे पहले तो मुझे वीडियो कैमरे से बात करना अभी तक नहीं आया शायद अच्छे से। फिर उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम होने लगी, मेरे पास अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं था। फिर मैं अभी तो अपने हस्बैंड का लैपटॉप यूज़ करती हूँ, मैक, और उससे iMovie में अपने वीडियोस एडिट करती हूँ। लेकिन अगर आप एक मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो मेजर इशू यही है कि हम किस तरह से अपने वीडियोज़ को अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती कि मैं वीडियो कर रही हूँ, नए टॉपिक पे कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे टॉपिक्स पे कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि नहीं, आप हमारे इस बात से सहमत हैं कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अच्छा कर रही हूँ, और उसके बाद भी मुझे उतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, लोगों तक मेरे वीडियोज़ नहीं पहुँच रहे हैं। और इसका एक आसान सा रास्ता भी है कि मैं एडसेंस में जा करके कुछ पैसे दे करके अपने वीडियोस को प्रमोट करूं, अपने चैनल को प्रमोट करूं, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहती हूं। तो ये एक मेजर इश्यू है जो मैं फेस कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन सब फॉर सब स्ट्रेटजी। ओके, तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं चैनल पे कमेंट करके जाते हैं, इफ़ यू सब मी आई विल सब यू बैक ऐसे करके। तो हमें किसी को सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, और स्ट्रेटजी को अगर ईमानदारी से निभाया जाए तो सच में ये बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे कोई ईमानदारी से नहीं करता है, वो लोग सब फॉर सब करते हैं। आप जब उसे सब्सक्राइब करते हो उसके कुछ दिन बाद वो आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, या फिर अनसब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो भी आपके वीडियोस ऐसे ही पड़े रहते हैं, लोग उन्हें नहीं देखते। मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को, नए यूट्यूबर्स को देखा है जिनके सब्सक्राइबर्स तो 1,000 होंगे, 500 होंगे, 2,000 होंगे, लेकिन उनके व्यूज़ 100, 50, 70, 200 ऐसे रहते हैं, उनके सारे सब्सक्राइबर उनके वीडियोस को नहीं देखते। तो इसलिए मैं सब फॉर सब स्ट्रेटजी को उतना अच्छा नहीं मानती हूँ, लेकिन अगर इसे ईमानदारी से निभाया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है यूट्यूब पे ग्रो करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हुम डू यू वॉन्ट टू टैग। एंड इसे मैं अपने सारे जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं जो अभी नए इस फील्ड में आए हैं, मैं उन सबको टैग करना चाहूँगी ताकि वो अपने व्यूवर्स से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सके और उनके यूट्यूबर्स उनके व्यूवर्स उन्हें अच्छे से जान सके। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं नए, उन्हें मैं सबको टैग करना चाहूँगी। ये एक ओपन टैग है, इसका मतलब ये, अगर आपका नाम नहीं किसी ने लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वीडियो को नहीं
नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आप इस वीडियो को करना चाहते हैं, और मैं तो कहूँगी आप इस वीडियो को ज़रूर करें, तो आप इस वीडियो को करिए। और मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं अपने जितने भी मेरे मेरे चैनल पे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे, मैं उन सबको टैग करती हूँ। और मैं एक का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगी कि किसी को बुरा लगे अगर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ। तो आप सभी इस वीडियो को करने के लिए मैं आप सभी को टैग करती हूँ, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को करिए और अपने और फ्रेंड्स को टैग करिए। और अगर आप इस वीडियो को करते हैं तो हमें वहाँ पर टैग करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे और सुमन जी को फ्रॉम जस्ट बी योरसेल्फ ज़रूर 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 टैग करें, ताकि हम भी आपको अच्छे से जान सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और बात रही क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको मेरा ये हिंदी का वीडियो और ये टैग वीडियो का इनिशिएटिव कैसा लगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।